हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। आप देखेंगे कि इसमें गिरावट आने का क्या कारण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है 0.78% की जो गिरावट देखने को मिली है। मंडे को क्या हो सकता है इसमें, हमें इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या हमें जो स्टेप लेना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, इसके ऊपर आज हम जो बात करेंगे। आज हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी लेटेस्ट वीडियो, ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसे कि अगर हम बात करें टाटा पावर कंपनी के बारे में, तो लगभग इस शेयर का जो प्राइस है वो 222 रुपये चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसके एक महीने के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने लगभग 58% का जो रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। अगर हम इसके छः महीने की बात करें तो 129% का रिटर्न दिया है, और अगर हम देखें तो एक साल में लगभग कंपनी ने 187% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार। आपको पता होगा कि हर एक टाटा पावर यानी हर एक टाटा कंपनी का, जितना भी टाटा कंपनी है, हर एक का शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। हर किसी शेयर में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, जितने भी टाटा शेयर हैं। इसमें जो गिरावट आने का कारण क्या है, उसके ऊपर आज हम जो बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस शेयर के बारे में एक और चीज़ दिखा देता हूँ, एक और न्यूज़ दिखा देता हूँ। जो टाटा पावर है वो जो है फंड रेज करने के लिए जो है देख रही है $500 मिलियन जो है। टाटा पावर लुकिंग टू रेज $500 मिलियन फॉर रिन्यूएबल्स यूनिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं $500 मिलियन जो है कंपनी फंड रेज करने की सोच रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है सर्च कर रही है। एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जो टाटा पावर का जो मुंद्रा प्लांट था वो रीस्टार्ट जो है हो चुका है टू ब्रिंग रिलीफ टू वर्ड्स हिट स्टेट। यानी कि जिसमें पावर सेक्टर की जो काफ़ी ज़्यादा कमी थी उस स्टेट में जो है उनमें रिलीफ देने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि कंपनी का जो मुंद्रा प्लांट है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी वजह से जो इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है $500 मिलियन फंड रेज करने की सोच रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कंपनी के फंडामेंटल, हर एक चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे क्यों इसमें ग्राफ देखने को मिले, इसमें फैसिलिटी लें या ना लें। सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक देखा है और कुछ नहीं, ध्यान से देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि आपको अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ROE यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक वैल्यू, एंड कंपनी साथ साथ डिविडेंड दे रही है 0.70% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं, एंड मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा कंपनी की बढ़ गई है, 71,128 करोड़ की जो मार्केट कैपिटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एंड साथ साथ कंपनी जो है यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कंपनी अपने मेन बिजनेस से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर रही बल्कि उसके साथ साथ अपने प्रॉफिट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 21 में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करा है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और हम इसके पीएनएल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इस शेयर को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने ना दें, ये जो छोटी मोटी गिरावट है आप जो इन छोटी मोटी गिरावट से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आगे हम और ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में इन डिटेल। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी अपने रिजर्व को इंक्रीज़ कर रही है, अपने बोरिंग्स को डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स एसेट्स कंपनी ने इंक्रीज़ करे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर हम इसके कैश फ्लो पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा जो कैश जनरेट कर रही है अपने मेन बिजनेस से। और हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 46.86% की प्रमोटर्स होल्डिंग है, 11.26% फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 16% की, गवर्नमेंट 0.454 एंड पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, अपने आप को डेवलप कर रही है। आपको बताइए टाटा पावर कंपनी, आपको टाटा का ही नाम है, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वैल्यूएशन है, कितनी ज़्यादा इसकी जो है इमेज है। और आपको पता है कि हर एक टाटा शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे इसमें जो क्यों गिरावट देने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यू पर पहुंच चुका है, यानी काफ़ी ज़्यादा अपने हाई लेवल पर पहुंच चुका था। यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, इसीलिए जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें अभी ये जो शेयर है वो एक्सपेंसिव रेट पर है, अभी जो आप इसमें फैसिलिटी ना लें, मैं आपको बता दूँ अभी ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अभी मैं आपको बता दूँ लगभग इस शेयर का प्राइस जो है आपको 200 रुपये तक पहुँचता हुआ नज़र आएगा, गिरता हुआ जो 200 रुपये तक पहुँचता हुआ नज़र आएगा, तो तब आप जो इसमें फैसिलिटी ले सकते हैं। अभी इसमें क्या है, इसमें गिरावट आने का कारण यही है, इसमें जो करेक्शन हो रहा है। जैसे कि आपको पता है ये शेयर जो है
अपने हाई लेवल पर पहुंच सका, अपने हाई वैल्यू पर पहुंच सका, इसलिए ये जो ओवर वैल्यूड हो चुका है, इसलिए जो इस शेयर में जो गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है बड़े स्केल पर, इसलिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट, इसलिए इसमें जो लोअर सर्किट देखने इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप जो बिल्कुल ही घबराए नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शेयर जो आपको मैं बता दूँ बहुत ही जल्दी बाउंस बैक मारेगा, बहुत ही जल्दी इसमें जो तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस शेयर को जो है बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने ना दें। अगर आप जो इन छोटी मोटी गिरावट से अगर आप जो डर जाते हैं, अगर आप पैनिक हो जाते हैं और शेयर को सेल कर देते हैं, तो जो आने वाले समय का जो फ्यूचर रिटर्न होगा, जो फ्यूचर ग्रोथ होगी, वो आप जो मिस कर सकते हैं। इसलिए पेशेंस रखें, शेयर को होल्ड करके रखें। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कंपनी जो फंड रेज भी करने की सोच रही है, $500 मिलियन यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी का एक प्लांट था मुंद्रा प्लांट, वो भी जो स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ से अंदाजा ला सकते हैं। ये शेयर काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया, बहुत ही जल्दी ये शेयर जो 300 रुपये पर पहुँचता हुआ नज़र आएगा। शेयर को होल्ड करके रखें, बिल्कुल भी सेल ना करें। एंड साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया, अभी आप जो फ्रेश एंट्री ना लें, लगभग आप जो इस शेयर में फ्रेश एंट्री 200 रुपये के करीब आप जो इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी इस शेयर में जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इसमें शेयर का प्राइस जो लगभग 200 रुपये तक नीचे गिर सकता है, क्योंकि अभी जो ये शेयर जो थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका था, इसलिए यहाँ पे आपको खुद दिखाया था। ये जो टाटा पावर का जो प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाटा पावर टू एक्सपेंसिव फॉर फ्रेश एंट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक स्टैंड पर ये न्यूज़ आई थी। इसलिए अभी जो आप इस शेयर में फ्रेश एंट्री ना लें, जैसे कि मैंने आपको लेवल बता दी, इस लेवल को आप जो है, हाँ, इस शेयर पर आप जो है नज़र डेली रखें, हर एक दिन जो इस शेयर पर अपनी नज़र बनाए रखें। जैसे शेयर आपको 200 रुपये के अराउंड मिले, आप जो इस शेयर में एंट्री ले लें, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शेयर है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको रिटर्न देकर जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किसी शेयर के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।